हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेरा नया म्यूजिक सिस्टम सोनी HT RT 40, विच इज आल्सो नोन एज टॉल बॉय म्यूजिक सिस्टम। ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये 600 वाट RMS के साथ आता है। तो मैं पूरा बताऊंगा इसका कैसा है साउंड, हाउ इज द बेस एंड अदर थिंग्स। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं पूरा बताऊंगा डिटेल में इसका पावर आउटपुट कैसा है, बेस कैसा है, ट्रिबल कैसा है एंड इसका इंडिविजुअल कंट्रोल्स कैसा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिजाइन के साथ। तो ये आता है दो टॉल बॉय सराउंड स्पीकर के साथ एंड एक मेन बार और एक सबवूफर। तो आपको अभी नजदीक से दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये। तो ये जो साउंड बार है इसका फ्रंट है ऐसा ग्रिल टाइप का, ग्रिल टाइप फिनिश है एंड ऊपर प्लास्टिक का ही बना हुआ है। इधर सोनी का लोगो है एंड दिस साइड द फीचर्स आर मेंशन लाइक 5.1 सराउंड साउंड एंड 600 वाट HDMI ARC एंड ब्लूटूथ NFC USB एवरीथिंग इज देयर। तो कनेक्टिविटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और इसका जो सिस्टम है बास रिफ्लेक्स है। तो इधर ये वाला एक चैनल है फ्रंट राइट सेंटर एंड फ्रंट लेफ्ट। और ये जो है इसका ये सराउंड राइट है, इसका बेस ऐसा दिखता है, नीचे में सोनी का लोगो है, बीच में ये प्लास्टिक का है एंड हियर यू कैन सी दैट स्पीकर इज देयर एंड दैट बास रिफ्लेक्स सिस्टम। सो दिस बास रिफ्लेक्स इज देयर इन ऑल द चैनल्स, लाइक दिस इज द सराउंड साउंड सराउंड राइट एंड हियर फॉर द सराउंड स्पीकर ऑल्सो यू हैव द बास रिफ्लेक्स। इफ यू सी द बार हियर ऑल्सो ईच चैनल, इफ यू सी हियर दिस साइड हियर यू हैव दैट बास रिफ्लेक्स। इन द सेंटर चैनल इट हैज टू साइड एंड लेफ्ट साइड ऑल्सो इट हैज। So the other one is also same other surround speaker. It has one speaker and that's a bass reflex. It is there with that stand. It comes with that stand. And then comes to the main subwoofer. The subwoofer is of 6.5 inch and below is the bass reflex pass. So from here the air comes out. इसका जो ग्रिल है ये अच्छा लगता है एंड ये वाला पार्ट पूरा पियानो ब्लैक प्लास्टिक का है। इसके ऊपर इधर पे सारा फंक्शंस है एंड दीज आर ऑल टच सेंसिटिव। तो ये आपको दिख रहा है पावर देन इनपुट चेंज करने के लिए। ये ब्लूटूथ पेयरिंग का है, वॉल्यूम माइनस एंड वॉल्यूम प्लस एंड दिस इज फॉर NFC एंड आगे है इसका USB का पोर्ट। एंड जैसा अभी देख रहे हैं आपको कि ये ब्लूटूथ मोड में है, मैं इसका इनपुट जस्ट टच करता हूँ तो इट कम्स टू USB अगेन देन TV देन एनालॉग एंड देन ब्लूटूथ अगेन। इसके ऊपर सोनी का बैजिंग है एंड ये बॉक्स पूरा वुडन बना हुआ है और इसका काफी स्टाडी है। और ये स्पीकर सिस्टम में इसका सारा कंट्रोल है ये मेन सबवूफर के पीछे। तो इफ यू सी हियर दैट दैट इज द HDMI केबल, ये रहा HDMI एंड फिर सारे कलरिंग किया हुआ है सारा, मतलब सेंटर लेफ्ट राइट एंड सराउंड लेफ्ट राइट, तो सबका अलग अलग कलर किया है एंड सबका वायर भी काफी लंबा है। तो आपका घर में आप में कहीं भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये लेंथ के लिए। एंड पावर भी सिर्फ ये सबवूफर में ही आता है एंड इधर पे इफ यू सी इधर पे इसका एक फैन है, कूलिंग फैन है एम्पलीफायर को कूल करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो गुड। बाकी पीछे और कोई कुछ नहीं है, बस इधर पे वो HDMI एंड डॉल्बी डिजिटल वो सब मेंशन किया हुआ है। आपको थोड़ा फोकस करके दिखाता हूँ, या HDMI है, डॉल्बी डिजिटल है तो वो सारे मेंशन किया हुआ है। इधर पे ऑप्टिकल इनपुट भी है एंड एनालॉग भी है। तो ये क्या है इसका डिज़ाइन। तो दोस्तों मैं ये सिस्टम काफ़ी रिसर्च करने के बाद लिया क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा था इसका साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब इसका बेस इतना अच्छा नहीं है, 600 वाट का है।
बट फिर भी इसका बेस इतना अच्छा नहीं है, इसका सराउंड स्पीकर्स ठीक से चलता नहीं है। बट ये जो स्पीकर सिस्टम है ये इसको यूज़ करने के लिए यू नीड टू नो इट कि हाउ टू यूज़ इट, ठीक है। तो इसका जो सिस्टम है इसको कहाँ पे रखना है, कौन सा स्पीकर कहाँ पे रखना है, उसका फिर उस हिसाब से इसका सेटअप करना पड़ता है। तो एज यू सी दिस डिस्प्ले इज़ वेरी स्मॉल, सो यहाँ से ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। तो इसके लिए एक म्यूजिक सेंटर ऐप आता है तो जहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। तो आफ्टर सेटिंग अप दैट, तो इसका साउंड मुझे तो एटलीस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं एक्चुअली आई वेंट टू रिलायंस डिजिटल स्टोर एंड देयर आई चेक द साउंड क्वालिटी एंड देन आई टूक इट, एंड आफ्टर टेकिंग इट होम इनिशियली आई ऑल्सो फील लाइक ओके द बस इज नॉट दैट मच, बट या आफ्टर सेटिंग इट अप एंड प्लेसिंग द स्पीकर्स प्रॉपरली आई सी द साउंड इज रियली गुड एंड यू विल एंजॉय द साउंड विथ एनीथिंग लाइक विथ ब्लूटूथ फ्रॉम योर मोबाइल और फ्रॉम टीवी। द साउंड सिस्टम ऑल्सो वर्क्स एंड द स्पीकर्स ऑल्सो वर्क्स रियली ओके। तो बाकी सब कुछ दिखाता हूँ एक एक करके। तो फर्स्ट आई विल कनेक्ट विथ माई मोबाइल विथ ब्लूटूथ एंड आई विल शो यू, आई विल प्ले सम सॉन्ग एंड लेट्स सी, एंड प्लीज यूज हेडफोन टू गेट प्रॉपर ऑडियो आउटपुट। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है तो मैं अभी यूट्यूब में कुछ म्यूजिक प्ले करता हूँ। करता हूँ क्यों, और कुछ बॉलीवुड म्यूजिक मैं प्ले नहीं कर सकता, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है यूट्यूब में। तो आई विल प्ले अनदर म्यूजिक। आमतौर पे प्ले हो रहा है।
तो ऐसा ही है, तो इसका जो मैक्स वॉल्यूम है उसमें तो मैं कभी भी सुन नहीं सकता। और इसका रिमोट का दिखाता हूँ, रिमोट इसका ऐसा दिखाता है, ये है पावर ऑन ऑफ के लिए, और इधर पे एक इनपुट है जो जिससे चेंज होता है मोड इसका। ये एक मेनू है, डिमर है, मेनू है, ये है बैक बटन, और इसका बेसिकली ये जो मेनू है इधर से इसका सेटअप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो विद दिस बिकॉज यहाँ से कुछ दिखता नहीं है कि कैसा होगा इसका स्पीकर का पोजीशन, उस के डिपेंडेंट लाइक 3 मीटर है, 6 मीटर है, कैसा है, कितना डिस्टेंस है, तो इसके साथ ये दो बटन से एडजस्ट कर सकते हो, ये है एंटर और ये है बैक, ये है वॉल्यूम अप डाउन, ये है इसका जो सबवूफर है उसका प्लस माइनस बटन, ये है म्यूट करने के लिए डायरेक्ट, ये है क्लियर ऑडियो वॉइस एंड साउंड फील्ड, और इसमें एक नाइट मोड भी आता है जिसमें इसका ये जो डिस्प्ले है डिस्प्ले का ये थोड़ा कम हो जाता है, इसका बेस भी कम हो जाता है ताकि नाइट में डिस्टर्ब ना हो, एंड दिस इज नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग, तो वो सब चलता है इसका। मतलब रिमोट क्वालिटी वाइज ये तो काफ़ी स्लीक है और अच्छा भी है, तो दिखने में भी काफ़ी हैंडी है, इसका बैटरी इसके साथ ही आता है। तो और एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ इसका कि ये इसका जो HDMI केबल है ये मैं टीवी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया हूँ HDMI केबल से, तो इसका ऐसा सीन है कि अगर आप टीवी को डायरेक्ट ऑन करो तो इसका मोड भी चेंज होता है, तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि अभी ये ब्लूटूथ मोड में है, तो मैं अभी ये टीवी ऑन करता हूँ, ये देखिए टीवी का रिमोट है, और इधर देखिए ये ऑटोमेटिक टीवी हो गया, और इसका इधर से भी मैं कुछ टीवी का साउंड कैसा है वो भी सुनाता हूँ। टीवी का वॉल्यूम बड़ा इंक्रीज डिक्रीज जो भी करते हैं तो इधर पे ऑटोमेटिक हो जाता है उसके साथ, उधर से उसके साथ ऑटोमेटिक हो जाता है। Object-based cinematic audio. With powerful moving audio that transcends from channels to moving around you with 10-point accuracy. Whether the soundscape system moves of nature's fury. And remember this? इसके साथ मैं अपना भी एक वीडियो चला के दिखाता हूँ ये कैसा है मेरा। Right side you don't have any, and then on top it has a glass finish. Here are the touch buttons. And behind here are the jacks and ports.
So first you have HDMI, then USB, then optical through connection, then left right. आवाज भी काफी क्लियर है फ्रेंड्स, तो आई डोंट फेस एनी इशू विथ एनीथिंग लाइक इसका वॉइस भी क्लियर है, इसका बस लेवल सब कुछ बैलेंस्ड है. और मैं आपको म्यूजिक सेंटर जो ऐप है उससे भी दिखाता हूँ उससे कैसे कंट्रोल करते हैं स्पीकर्स लाइक द बार टू द बार एंड द इंडिविजुअल. तो दोस्तों इसका जो म्यूजिक सेंटर ऐप है वो अभी दिखाता हूँ. ये आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए. तो ये इसको बेसिकली ब्लूटूथ से मैं कनेक्ट किया हूँ और ये इधर पे आप देख रहे हो इसको HDRT40 कनेक्टेड दिख रहा है. तो इसमें म्यूजिक लाइब्रेरी है जो इस फ़ोन का जो भी म्यूजिक है वो चला सकते हो, टीवी सिलेक्ट कर सकते हो एनालॉग या USB. अगर आप USB कनेक्ट करते हो ये सिस्टम में, यहाँ पे अगर USB कनेक्ट करते हो तो फिर इधर पे USB में जाके उसका कौन सा कंटेंट आपको देखना है या सुनना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. इधर पे फाइनली आता है ये सेटिंग्स. तो इधर पे जाके आप अगर देखते हो तो इसका सेटिंग्स में साउंड है और स्पीकर है. तो स्पीकर में आप देख सकते हो इसका रियर स्पीकर्स और रियर स्पीकर डिस्टेंस एंड स्पीकर प्लेसमेंट. तो सबसे पहले मैं स्पीकर प्लेसमेंट दिखा देता हूँ. इसका दो आता है, स्टैंडर्ड और ऑल फ्रंट. जैसा मेरा यहाँ पे सेटअप किया हुआ है कि सारे स्पीकर सामने ही है, फ्रंट है, तो उस हिसाब से मैंने इधर पे ऑल फ्रंट किया है. तो किसी कोई अगर इसको सराउंड स्पीकर को पीछे रखता है या तो फिर बेड या सोफ़ा के साइड में, तो उस हिसाब से उसको फिर स्टैंडर्ड करना पड़ेगा. मेरे यहाँ पे सारा सामने है तो इसलिए ऑल फ्रंट है. इसका स्पीकर का डिस्टेंस कैसा है रियर स्पीकर का, तो आपको प्रॉपर साउंड अगर सुनना है कि सारे स्पीकर से ठीक ठाक आवाज़ आ रहा है, प्रॉपर आप सेंटर में बैठे हो तो कितना दूर है, तो वो डिस्टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा. तो तभी आपको प्रॉपर साउंड मिलेगा इसका. तो काफ़ी लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हाँ इसका साउंड अच्छा नहीं है, रियर स्पीकर नहीं बजता है, साउंड नहीं आता है. तो ऐसा नहीं है, तो प्रॉपरली आपको सेटअप करना पड़ेगा. वेयर यू आर कीपिंग द स्पीकर, सो बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू सेटअप. इवन यू कैन चेंज द साउंड लेवल ऑफ द सराउंड स्पीकर ऑल्सो एज यू सी हियर, तो यू कैन चेंज इट. तो इफ़ यू डू दिस सेटअप देन ऑब्वियसली यू विल हियर प्रॉपर साउंड. एंड लोग जो कंप्लेन करते रहते हैं कि इसका सराउंड स्पीकर ठीक ठाक नहीं है, बेस इतना अच्छा नहीं है, and many things, but I have noticed it's a really good music system, and that bass people are complaining it's not that, yeah, but it's ये कह सकता हूँ कि overpowered नहीं है, sound properly balanced है, सारा इसका speaker सही से बजता है, sound quality भी अच्छा है. बट हाँ ये चीज़ है कि आप कौन सा मतलब मूवी देख रहे हो तो उसमें सराउंड मतलब 5.1 चैनल म्यूजिक है भी या नहीं. अगर आप 2.1 देख रहे हो तो इट विल नॉट गिव यू राइट. सो ऐसा है. और इधर में ये इसमें और भी एक सेटिंग है साउंड. तो साउंड में जाके आप इसका जो मोबाइल मतलब रिमोट से चेंज करते हो सारा सब कुछ इधर से भी होता है. साउंड एडजस्टमेंट है, फिर इधर पे नाइट मोड है, वॉइस अप ऑफ कर सकते हो. फिर ये जो है साउंड फील्ड, तो इसको आप अगर मूवी साउंड गेम स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स म्यूजिक ये सब मोड में चेंज कर सकते हो. एंड द वन इज़ क्लियर ऑडियो प्लस. तो मेन चीज़ इसका ये है कि आपको अगर सारा स्पीकर ऐसा है और आपका ब्लूटूथ से म्यूजिक बजा रहे हो तो आई वुड सजेस्ट टू कीप इट इन क्लियर ऑडियो प्लस. नहीं तो क्या करता है, सिर्फ क्लियर ऑडियो प्लस में ही ये इवन 2.1 से भी 5.1 में कन्वर्ट करके सारा स्पीकर से म्यूजिक आउटपुट देता है. बाकी सब मोड में क्या होता है कि उसमें अगर सोर्स में 5.1 है तभी वो देगा, सारा स्पीकर चलेगा, नहीं तो एज ए 2.1 ये बजता रहेगा. ओके, लाइक द बार इनमें सेंटर लेफ्ट राइट एंड ये जो सबवूफर है ये बजेगा, बाकी सब बाकी दो सराउंड स्पीकर्स नहीं बजेगा, सिर्फ क्लियर ऑडियो प्लस में वो कन्वर्ट करके चलाता है. तो एज ऑफ नाउ दोस्तों यही है. तो मैं काफ़ी दिनों से ये यूज़ कर रहा हूँ अभी, लाइक 2-3 weeks नाउ, एंड ऑडियो आउटपुट वाइज मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगा. साउंड काफ़ी अच्छा है एंड
इस बजट रेंज में 600 वाट आउटपुट के साथ। हाँ ये मतलब वायरलेस नहीं है बट इसका वायर काफ़ी लंबा दिया हुआ है एंड यू कैन मैनेज इट, यू कैन प्लेस योर स्पीकर्स, माय रूम इज 12x12 एंड आई कैन प्लेस इट आराम से कहीं पे भी रख सकता हूँ, तो उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही। आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू लिसन एनी स्पेसिफिक म्यूजिक इन दिस, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल सेंड यू द साउंड क्लिप इंडिविजुअली। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।